हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एमएससी मैथमेटिक्स इंटरेस्ट पेपर तय करते हो, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, लेट एफ आर टू आर फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स बराबर माइनस फाइव टू एक्स टी माइनस वन का होल क्यूब डी टी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल एफ टेक द वैल्यू वन। फ्रेंड्स, ऐसे ही अनेक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगे, वहां पर देखिए। ये क्वेश्चन है, ऑप्शन है माइनस सिक्स जीरो माइनस टू फोर टू एट सिक्स ट्वेल्व। फ्रेंड्स, ये मल्टी सेलेक्टेड क्वेश्चन है, इसके एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं। अब ये क्वेश्चन हम देखते हैं, सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। एफ एक्स बराबर क्या है हमारे पास, एफ एक्स बराबर है माइनस फाइव टू एक्स टी माइनस वन का क्यूब डी टी। इंटीग्रेशन कर दें इसका तो हो जाएगा टी माइनस वन का फोर अपॉन फाइव सॉरी अपॉन फोर, ये हो गया और लिमिट है इसकी माइनस फाइव टू एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से एक्स माइनस वन का फोर अपॉन फाइव सॉरी अपॉन फोर, और जब फाइव को अप्लाई किया तो हमने या माइनस फाइव को अप्लाई किया तो ये हो जाएगा माइनस माइनस फाइव को अप्लाई करेंगे तो माइनस 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 फाइव माइनस वन, ये हुए माइनस सिक्स, ये हुए माइनस सिक्स, और ये हो गए हमारे पास माइनस सिक्स टू द पावर फोर अपॉन फोर। ये हमारे पास फ्रेंड्स एफ एक्स बराबर आ गया। अब ये एफ एक्स बराबर हमारे पास दिया क्या है, फॉलोइंग इंटरवल एफ टेक द वैल्यू वन, यानी ये वैल्यू जो है इक्वल टू वन है। तो इस कंडीशन में ये हो गया हमारे पास एक्स माइनस वन टू द पावर फोर माइनस सिक्स टू द पावर फोर इक्वल टू एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो फोर आएगा, फोर का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं हम देखें तो ये हो गया फोर। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारे पास, तो यहाँ से हम देख सकते हैं एक्स माइनस वन टू द पावर फोर इक्वल टू सिक्स टू द पावर फोर प्लस फोर। तो सिक्स टू द पावर फोर की वैल्यू क्या होती है फ्रेंड्स, सिक्स टू द पावर फोर की वैल्यू होती है 12, 9, 6 प्लस 4, तो ये हो गया हमारे पास टोटल 1300। फ्रेंड्स, एंट्रेंस एग्जाम में जैसे ये क्वेश्चन तो आईआईटी जैसे क्वेश्चन है तो वहां पे हमारे पास कैलकुलेटर अवेलेबल होता है, तो ये मल्टीप्लाई करना कोई बड़ी बात नहीं होती वहां पे। ये हो गया हमारे पास, अगर ये हो गया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1300 को लिख सकते हैं हम। यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो एक्स माइनस वन टू द पावर फोर इक्वल टू रूट थर्टीन इंटू टेन का होल स्क्वायर, क्योंकि जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्टीन इंटू हंड्रेड आ जाएगा। तो हमारे पास यहां से ये हो गया फ्रेंड्स, तो इसको लिख सकते हैं अब एक्स माइनस वन टू द पावर फोर माइनस रूट थर्टीन इंटू टेन का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो इसको लिख सकते हैं हम ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो यहां से हो जाएगा हमारे पास एक्स माइनस वन का स्क्वायर और माइनस रूट थर्टीन इंटू टेन और एक्स माइनस वन का स्क्वायर, ये x माइनस वन टू द पावर फोर है तो इसको हम x माइनस वन का स्क्वायर ले सकते हैं। तो इस टर्म पे हमारे पास ये हो गया, और ये हो गया x माइनस वन का स्क्वायर प्लस टेन इंटू रूट थर्टीन। अब ये जो हमारे पास वैल्यू आ चुकी है तो यहाँ से हम देख सकते हैं, अगर ये वैल्यू राइट हैंड साइड में जाएगी तो ये वैल्यू राइट हैंड साइड में देगी तो x माइनस वन की कुछ इमेजिनरी नंबर देगा, और जबकि हमारे पास ऑप्शन में रियल नंबर है ओनली, तो यहाँ से जो वैल्यू होगी ये जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर वैसे भी रियल पार्ट में देखें तो ये पॉजिटिव नंबर है, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर से सम कभी जीरो नहीं हो सकता। तो ये हो गया हमारे पास, अब यहाँ से हमें ये टर्म जो है वो जीरो है, तो ये हो गया हमारे पास एक्स माइनस वन का स्क्वायर माइनस थर्टीन रूट थर्टीन इंटू टेन इक्वल टू जीरो।
ये हो गया फ्रेंड्स हमारे पास। तो अगर इसको ओपन करना चाहे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इंटू रूट थर्टीन इंटू टेन। तो फ्रेंड्स अगर इस वैल्यू को हम देखें तो ये वैल्यू हमारे पास क्या है, रूट थर्टीन को क्या लिख सकते हैं हम, ये नियर अबाउट टू थ्री, सो नियर अबाउट थ्री पॉइंट, अगर इसका रूट निकालना चाहे तो थ्री पॉइंट फोर के आसपास आएगा। अगर इसका रूट निकालना भी चाहे थ्री पॉइंट फोर, तो ये हो जाएगा हमारे पास थ्री पॉइंट फोर या थ्री पॉइंट फाइव के नियर अबाउट आएगा। तो ये ले लेते हैं हम, इसको हम थ्री पॉइंट फाइव ले लेते हैं कि थ्री पॉइंट फाइव इसका रूट आया। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस, ये हो जाएगा हमारे पास ये 35 और ये 36, यानी हमने इसको इक्वल टू लिया है, लगभग लगभग पास में लिया है, इसके कुछ ज्यादा बड़ा ज्यादा डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। तो ये हो गया हमारे पास इक्वल टू जीरो। तो फ्रेंड्स यहां से अगर हम ये देखें तो अब यहां से हमारे पास एक्स की दो वैल्यू आ चुकी है, यानी एक्स स्क्वायर, अगर इसको हम लिखना चाहें तो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स, सॉरी इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस फाइव एंड एक्स माइनस सेवन, ये हो गया फ्रेंड्स हमारे पास। यहां से एक्स प्लस फाइव एंड इसको हम 35 ले लें, थ्री पॉइंट फोर लें, क्योंकि हमें कुछ ऐसा बनाना है कि ये वो बन जाए, फैक्टर बन जाए, 34 लें तो ये हमारे पास टोटल 35 आ जाएगा। तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे ये फैक्टर ले सकते हैं, यानी हमारे पास x बराबर फाइव माइनस फाइव एंड सेवन, ये हमारे पास फ्रेंड्स वैल्यूज तो आ चुकी हैं, बट ये हमारे पास अगर लेंगे तो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है, क्योंकि यहाँ पे हमने इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली है। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारे पास कि ये माइनस फाइव और सेवन हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ये चेक करने के लिए हम यहाँ पे फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारे पास फंक्शन आया था बेसिकली ये फंक्शन, इसको देखेंगे इसके आसपास है या नहीं, और जब एफ टेक वैल्यू वन है तो उसके आसपास अगर माइनस फाइव और सेवन पे चेक करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यूज है वो इन पे आ जाएगी। तो इसका ऑप्शन अगर देखते हैं तो माइनस फाइव इसमें आ रहा है और इसमें नहीं आ रहा, इसमें सेवन आ रहा है और इसमें सेवन आ रहा है। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि जो फंक्शन है हमारे पास माइनस सिक्स जीरो टू एट एंड सिक्स ट्वेल्व, इन तीनों तीनों जो इंटरवल है इनमें ये वैल्यू ले रहा है। तो इस कंडीशन में ये ए सी एंड डी इसके करेक्ट आंसर है। थैंक यू फ्रेंड्स।